हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजेन साइंस। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम एग्रोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है फसल पद्धति एवं फसल प्रणाली, यानी क्रॉपिंग क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम फैक्ट्स को जानेंगे। यह लेक्चर उन सभी साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें इन टॉपिक्स से संबंधित काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता रहता है। तो साथियों, आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन टॉपिक्स के बारे में कुछ विशेष जानकारी। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले उन सभी साथियों से जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं या जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जब भी हम कोई नया लेक्चर लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मिक्स फार्मिंग के बारे में, यानी मिश्रित खेती किसे कहते हैं। तो साथियों, मिक्स फार्मिंग जैसे नाम से ही उसकी क्लियर हो रहा है, मिक्स मतलब यानी मिलावट करना, यानी मतलब उसमें उसके साथ कुछ मिला हुआ, मतलब खेती के साथ साथ हम उसके कुछ एलाइड जो है प्रोजेक्ट को भी उसमें इंक्लूड करें। तो लिखा हुआ है, एक निश्चित फॉर्म पर फसलें उगाने के साथ साथ कृषि के दो या दो से अधिक उपक्रम। तो दो या दो से अधिक उपक्रम जैसे आपका पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री करना, मुर्गी पालन करना यानी पोल्ट्री फार्म को बना लेना, या फिर मछली पालन करना या फिर मधुमक्खी पालन करना, इनमें से आप किन्हीं दो या दो से अधिक जो है उपक्रम को आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो खेती के साथ साथ यानी फसलें उगाने के साथ साथ इन सब चीज़ों को जब आप इंक्लूड कर लेते हैं तब उसे मिक्स फार्मिंग या मिश्रित खेती कहा जाता है। आइए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? तो क्रॉप यानी आपका फसलों को का पैटर्न यानी उसका अनुक्रम। तो क्रॉपिंग पैटर्न किसे कहते हैं? तो लिखा हुआ है, किसी निश्चित क्षेत्र में, मतलब एक एरिया जो निश्चित है, उस निश्चित भूभाग में एक सीजन में, मतलब एक जो ऋतु है उसमें फसलों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना, ऐसे अरेंज करना, और पूरे साल फसलों को किस क्रम में रखते हैं, इसे ही फसल पैटर्न कहते हैं। तो फसल पैटर्न का मतलब आप समझ रहे होंगे, फसल पैटर्न का मतलब आपके पास एक निश्चित भूभाग है, उस निश्चित भूभाग पर आप किस तरीके से एक सीजन में क्रॉप्स को अरेंज करते हैं, मतलब आपने एक सीज़न में कौन कौन सी फसलों को लगाया है, उनको कैसे अरेंज किया है, या फिर आपने कोई परती भूमि छोड़ी हुई है, ठीक है, जहाँ ज़्यादा उपजाऊ भूमि है वहाँ पर आप कौन सी क्रॉप को लगा रहे हैं, जहाँ कम उपजाऊ भूमि है वहाँ पर आप कौन सी क्रॉप को लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो एक निश्चित भूभाग है वहाँ पर आप फसलों को कैसे अरेंज कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप नेक्स्ट अगले सीजन में एक साल के अंदर की बात कर रहे हैं, अगले सीजन में आप किस तरीके से कौन सी क्रॉप को फिर कैसे अरेंज करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को ही क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं, इसे ही कहते हैं फसल क्रम कहते हैं, इसे आप क्रॉपिंग पैटर्न या फसल क्रम कह सकते हैं। और या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में बोई गई विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल का अनुपात, फसलों के वार्षिक क्रम और स्थान के प्रबंधन तथा खाली क्षेत्र, इन सभी को क्रॉपिंग पैटर्न के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। तो एकदम सरल से शब्दों में हमने जैसे आपको बताया कि एक साल के अंदर किसी निश्चित भूभाग पर आप एक सीजन में कैसे फसलों को अरेंज कर रहे हैं, कौन से उपजाऊ भूमि है वहाँ पर कौन सी क्रॉप को लगाएंगे, या कम उपजाऊ जो भूमि है वहाँ पर आप कौन सी क्रॉप को लगाएंगे, सिंचाई की व्यवस्था कहाँ पर कैसे किया है। तो मतलब इस तरीके से क्रॉप्स यानी फसलों को का पैटर्न, स्पेशली क्रॉप्स को यहाँ पर हम जो है मेन जो है गोल हमारा जो रहेगा क्रॉप्स के पैटर्न का रहेगा। तो हम फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग जो है सॉइल का जो सॉइल किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है, इसके अकॉर्डिंग हम क्रॉप्स को कैसे अरेंज करें एक सीज़न में या फिर अगले नेक्स्ट सीजन में, एक साल के अंदर जो है एक साल के अंदर में आप फसलों को एक सीज़न में और अगले सीजन में किस तरीके से अरेंज करने वाले हैं, इसे ही क्रॉपिंग पैटर्न कहा जाता है, इसे ही कहते हैं फसल क्रम कहते हैं। आगे बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम की। तो साथियों, ये क्रॉपिंग सिस्टम जो है क्रॉपिंग पैटर्न से थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है। तो क्रॉपिंग पैटर्न में देखिए, किसी निश्चित वातावरण में उपलब्ध संसाधनों से आय प्राप्त करने हेतु अपनाए गए सस्यन क्रम तथा इसका प्रबंधन फसल प्रणाली कहलाता है। तो इसमें आपका क्रॉपिंग पैटर्न भी आएगा प्लस में इसका मैनेजमेंट। तो क्रॉपिंग पैटर्न प्लस इसका मैनेजमेंट दोनों को मिलाकर के क्रॉपिंग सिस्टम कहा जाता है। तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? तो ये क्रॉपिंग सिस्टम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यानी फसलों को आप किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, और प्लस ही प्लस आपके पास कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं जिसका आप उसमें उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो इन दोनों को जब मिला लेते हैं तब उसे हम कहते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। तो फसल पद्धति का फार्म पर उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकियों के साथ संबंध को क्रॉपिंग सिस्टम कहा जाता है। तो फार्म पर आपके पास जो आपका फार्म है वहाँ पर आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, और आप क्रॉपिंग पैटर्न के साथ उसको कैसे
कैसे जो है आप एडजस्ट कर रहे हैं, इसे ही क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं, इसे कहते हैं फसल प्रणाली। तो फसल प्रणाली में आपका क्रॉपिंग पैटर्न आएगा, प्लस में मैनेजमेंट आएगा। मैनेजमेंट में आपके रिसोर्सेस होंगे, आपके संसाधन होंगे। भारत की जो मुख्य फसल प्रणाली है वो धान के साथ गेहूँ को लगाना जो है, ये इसका जो है भारत की सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है क्रॉपिंग सिस्टम माना जाता है। आगे चलते हैं साथियों, हम बात करते हैं मोनोकल्चर की। मोनोकल्चर क्या है? मोनो का मतलब होता है एक, कल्चर का मतलब यानी सिस्टम यानी ट्रेडिशन, तो मतलब एक ही फसल को बार बार लगाते रहना मोनोकल्चर कहलाता है। तो लिखा हुआ है किसी स्थान पर लगातार एक ही फसल को उगाना मोनोकल्चर कहलाता है। जैसे कि दिया हुआ है एग्जाम्पल में, धान लगाइए आप, उसके बाद फिर से आप धान को काट करके फिर से धान लगाइए, मतलब एक ही फसल को आप बार बार रिपीट करते रहिए, इसे कहते हैं मोनोकल्चर। एक और होता है, इसे कहते हैं मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग क्या है? मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है यानी एक साल में आप केवल एक ही क्रॉप को लगाएं, बाकी समय आप अपने फील्ड को अपने फार्म को खाली रखें। तो एक निश्चित क्षेत्र में एक वर्ष में केवल एक ही फसल को उगाना मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। तो मोनोकल्चर और मोनोक्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। मोनोकल्चर का मतलब होता है कि यानी आपके पास जो निश्चित भूभाग है उस पर आप एक ही फसल को बार बार रिपीट करते रहें, जैसे धान के बाद धान लगाइए फिर से धान लगाइए, इस तरीके से उसे कहते हैं मोनोकल्चर कहते हैं। लेकिन मोनोक्रॉपिंग की बात करते हैं तो मोनोक्रॉपिंग हम उस क्रिया को कहते हैं जब आप केवल एक साल में एक ही फसल को लगाए। आगे चलते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं, वो है आपका मल्टी क्रॉपिंग। तो मल्टी का मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब बहुत सारी क्रॉप्स को लगाना मल्टी क्रॉपिंग, और भारत में ज़्यादातर इसी प्रकार की जो है क्रॉपिंग सिस्टम को हम अपनाते हैं। तो मल्टी क्रॉपिंग क्या है? एक निश्चित खेत में दो या दो से अधिक फसलें बोना बहु फसलों का उदाहरण है। तो आपके पास जो एक निश्चित भूभाग है उसमें दो या दो से अधिक फसलों को बोना, इस प्रकार की मल्टी क्रॉपिंग का एग्जाम्पल है। ये दो प्रकार की होती हैं। मल्टी क्रॉपिंग को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से दो प्रकार हैं इसके? तो जो पहला प्रकार है वो है आपका मिश्रित फसल यानी मिक्स क्रॉपिंग। मिश्रित फसल क्या है या मिक्स क्रॉपिंग क्या है? तो बिना निर्धारित पंक्ति के, मतलब जब आपके पास कोई निर्धारण ना रहे कि आप मतलब दो फसलों को बो रहे हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी रो में किस क्रॉप को बोना है, तो बिना किसी डिटर्मिनेशन के, बिना किसी निर्धारण के जो आप ऐसे क्रॉप्स के सीड को जो होते हैं मिक्स करके आप ऐसे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, छितरा देते हैं और उसकी सोइंग कर देते हैं। तो इस प्रकार की क्रॉपिंग को मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं, इसे कहते हैं मिश्रित फसल कहते हैं। हमने एकदम स्टार्टिंग में मिक्स फार्मिंग पढ़ा था, अब हम मिक्स क्रॉपिंग पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा अंतर है दोनों में। तो बिना निर्धारित पंक्ति के बीजों को मिलाकर दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाना मिश्रित फसल कहलाता है, उसे कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। दूसरा है अंतरा फसलें, इंट्रा क्रॉपिंग क्या है? तो इंट्रा क्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि यानी जब रोज़ यानी पंक्तियाँ डिसाइड हों कि इस पंक्ति में इस फसल के बीज को बोएंगे और इस पंक्ति में इस फसल के बीज को बोएंगे, तो एक ही खेत में एक निश्चित पंक्ति या एक समान पैटर्न पर दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाना अंतरा फसलें कहलाती हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में गेहूँ प्लस सरसों, गेहूँ की आप 9 पंक्तियाँ बो लीजिए, ठीक है, उसके बाद सरसों की एक पंक्ति बो लीजिए, तो 9 पंक्तियों में आपने गेहूँ को बोया है, उसके बाद सरसों की आपने एक पंक्ति लगाई है, तो 9:1 का अनुपात से आप गेहूँ और सरसों को उगाएंगे। चना और सरसों का देखिए जो दिया गया है इसमें रेशियो दिया गया है, चना की आप 4 पंक्तियाँ लगाइए प्लस एक पंक्ति लगा दीजिए सरसों की, या आप 6 पंक्तियाँ चना के साथ साथ एक पंक्ति आप सरसों की ये भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जब पंक्तियाँ निर्धारित हों कि आप दो फसलों को एक प्लॉट में बो रहे हैं, लेकिन कुछ पंक्ति में आप इस फसल को आप लगाएंगे और दूसरे उसके बाद जो है फिर अगली पंक्तियों में आप किसी दूसरी फसल को लगाएंगे, तो जब पंक्तियों का निर्धारण हो तो उसे कहेंगे इंट्रा क्रॉपिंग कहेंगे, अंतरा फसलें कहेंगे। जब कोई निर्धारण ना हो पंक्ति का, रोज़ का कोई जो है डिटर्मिनेशन ना हो, कोई निर्धारण ना हो, तब उस प्रकार के हम क्रॉपिंग को कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग। तो दोनों आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला है आपका मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। तो मल्टी स्टोरीड यानी आपका बहु मंजिला जिसे कहते हैं। तो मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग क्या है? तो इस प्रकार की जो क्रॉपिंग की जाती है ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां पर भूभाग की कमी होती है, जहां पर लैंड की कमी होती है, जहां पर ज़मीन की कमी होती है। तो अलग अलग ऊंचाई की फसलों को एक साथ बोना, तो इसमें क्या करते हैं कि कुछ कम हाइट वाली क्रॉप्स होती हैं, कुछ ज़्यादा हाइट वाली होती हैं, कुछ और ज़्यादा हाइट वाली होती हैं, इस तरीके से अलग अलग हाइट वाली जो है अलग अलग ऊंचाई वाली फसलों को एक साथ जब बो दिया जाता है तो उसे मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग कहा जाता है। तो उसे बहुमंजिला खेती कहते हैं। ऐसे बताया गया है एग्जाम्पल में कि केरल में प्रति व्यक्ति भूमि के जोत का आकार यानी जो आपका होल्डिंग साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और वहाँ एक ही खेत में अलग एक समय में अलग अलग ऊंचाई की फसलें बोई जाती हैं, जैसे कि आपका काली मिर्च हो गया, अदरक हो गया, केला हो गया, नारियल हो गया, ये सब एक साथ बोए जाते हैं, अलग अलग हाइट वाली ये सब क्रॉप्स हैं, जो बहुमंजिला खेती की फसलें उगाना कहलाता है, जिसे कहते हैं बहुमंजिला खेती फसलें उगाना, ठीक है। तो मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग क्या है? मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग उन भूभागों में, उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर वो लैंड की कमी होती है, ऐसे क्षेत्रों में
अलग अलग हाइट वाली अलग अलग ऊंचाई वाली फसलों को एक साथ बुआई की जाती है, तो इस प्रकार से हम खेती जो करते हैं उसे मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग कहा जाता है, उसे बहुमंजिला खेती कहते हैं। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं क्रॉप रोटेशन की, फसल चक्र किसे कहते हैं। तो क्रॉप रोटेशन यानी फसलों को रोटेट करना, यानी उनको घुमाना, यानी चक्रित करना। तो फसल चक्र क्या है, तो फसल चक्र पहले क्यों करते हैं, तो मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए और स्पेशली नाइट्रोजन को इन्हेंस करने के लिए, नाइट्रोजन की वृद्धि करने के लिए। तो मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसलों को क्रमबद्ध बोना ही फसल चक्र कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई है, या इसका कह सकते हैं इसका गोल होता है कि आप फसल चक्र क्यों बनाते हैं। तो अनाज वाली फसलों के बाद दाल वाली फसलें बोनी चाहिए। फसल चक्र में हमेशा ध्यान रखते हैं कि मतलब ऐसी फसलों को ऐसे रोटेट करें कि उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है, जैसे अनाज वाली फसलें आप बो रहे हैं तो अनाज वाली फसलों के बाद आप दाल वाली फसलें बोइए, दाल वाली बो रहे हैं तो उसके बाद अनाज वाली बोइए। चूँकि जब आप दाल वाली फसलों को बोते हैं तो उससे नाइट्रोजन की जो है पूर्ति हो जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगले हम टॉपिक की बात करते हैं, वो है अवतरण या अविराम फसलें या रिले क्रॉपिंग क्या है। तो रिले क्रॉपिंग किसे कहते हैं, तो पहली फसल को काटने से पहले पूर्व दूसरी फसल उगाना या बोना रिले क्रॉपिंग कहलाता है, या अवतरण फसलें कहलाती हैं। तो क्या कह रहा है, रिले क्रॉपिंग का मतलब यानी आपने अभी जो फसल बोई हुई है उस फसल को काटने से पहले आप कोई दूसरी फसल उसमें बो दें, ठीक है। आपकी जो आपने जो इस समय वर्तमान में जो कोई फसल आपने बोई हुई है, जैसे मान ली धान आपने बोई हुई, ठीक है, तो धान की फसल आपकी तैयार हो गई है लेकिन आपने अभी उसको हार्वेस्ट नहीं किया है, कटाई नहीं की है, तो कटाई से पहले ही आप उस धान के खेत में कोई दूसरी क्रॉप की सोइंग कर दें, बुआई कर दें, और उसके बाद बुआई करने के बाद फिर उसको काटें, तब उसे कहेंगे रिले क्रॉपिंग। मतलब फसल कटने से पहले ही आपने दूसरी क्रॉप को उसमें उस फील्ड में लगा दिया है, सोइंग कर दी है, तब इसे रिले क्रॉपिंग कहेंगे। जैसे दिया गया धान की कटाई से पूर्व मसूर या अलसी बोना है, ये रिले क्रॉपिंग का एक एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, पैरा क्या है और उतेरा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं कि पैरा क्या है। तो पश्चिम बंगाल व बिहार में रिले क्रॉपिंग के प्रकार को पैरा के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल व बिहार में जो रिले क्रॉपिंग की जाती है उसके लिए टर्म यूज किया जाता है पैरा। और उतेरा क्या है, तो मध्य प्रदेश में रिले क्रॉपिंग जो की जाती है, मध्य प्रदेश में रिले क्रॉपिंग को उतेरा के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल और बिहार में इसे पैरा के नाम से, और उतेरा जो है आपका मध्य प्रदेश में रिले क्रॉपिंग का एक प्रकार है। आगे चलते हैं, एले क्रॉपिंग क्या है या गली फसलें किसे कहते हैं। तो भूमि की उर्वरा शक्ति व उत्पादन शक्ति को बढ़ाने हेतु बड़े पेड़ों की पंक्तियों के बीच में फसलें उगाना एले क्रॉपिंग या कह सकते हैं गली फसलों का उदाहरण है। तो इसको समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक रो है, इसमें आपने जो है कोई जो है प्लांटेशन किया हुआ है, कोई आपने बड़े बड़े पौधे लगाए हुए हैं, मान लीजिए फ्रूट्स ट्री हैं, ठीक है, फलों वाले वृक्ष हैं, उसके बीच में जो स्पेस खाली पड़ा हुआ है तो इसमें आप अन्य जो है फसलों को आप उसकी सोइंग कर सकते हैं। तब इसी प्रकार के तो पंक्तियों के जो बड़े बड़े पेड़ों की पंक्तियां हैं उनके बीच में जो खाली स्पेस है वहां पर आप फसलों को जब आप बोते हैं उगाते हैं तो उसे एले क्रॉपिंग कहा जाता है, उसे गली फसलें कहते हैं। आप समझ गए होंगे, जैसे दिया है कि हल्दी, अदरक, उड़द, शकरकंद आदि को सफ़ेदा व बबूल के बीच में जो खाली स्थान है वहां पर उनकी सोइंग करना, वहां पर उनकी बुआई करना एले क्रॉपिंग का एक एग्जांपल है। आसानी से समझ में आ गया होगा, यानी जो बड़े पौधे हैं वो चाहे फ्रूट्स के हों या फिर और कोई पौधे हों, तो उनके बीच में जो स्पेस खाली पड़ा हुआ है तो उसको यूजफुल बनाने के लिए हम कुछ दूसरे जो है क्रॉप्स को हम यहाँ पर बो देते हैं। जैसे एग्जांपल में हल्दी है, अदरक है, उड़द है, शकरकंद आदि इस प्रकार की फसलों को बो देते हैं उस खाली स्थान में जो दो पंक्तियों के बीच का, जो बड़े पौधों की पंक्तियों के बीच का जो स्पेस है वहाँ पर इस प्रकार की फसलों को बो देते हैं, तो उसे एले क्रॉपिंग कहा जाता है। आगे चलते हैं, ले फार्मिंग के बारे में समझते हैं। ले फार्मिंग क्या है, तो कृषित फसलों के फसल चक्र में यानी जब आप क्रॉप रोटेशन को जब अपनाते हैं तो क्रॉप रोटेशन में आप दो या दो से अधिक वर्षों तक अगर आप उसमें चारागाह रखना जब आप उसमें इंक्लूड कर देते हैं कि मतलब दो वर्ष तक इसमें चारागाह यानी आपका जो है चारे वाली फसलों को भी बोया जाएगा तो उसे ले फार्मिंग कहा जाता है। मतलब आप क्रॉप रोटेशन बना रहे हो, क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र बनाते समय आप उस फसल चक्र में दो या दो से अधिक वर्षों तक फॉडर क्रॉप्स यानी आपका चारागाह वाली फसलों को जब उसमें इंक्लूड करते हैं तो उसे ले फार्मिंग कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं, वो है एरेबल क्रॉप्स। एरेबल क्रॉप्स किसे कहते हैं, तो ऐसी फसलें जिनके लिए जुताई की क्रियाएं करना आवश्यक है उन्हें एरेबल क्रॉप्स कहते हैं। मतलब जब कल्टीवेशन के लिए जुताई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और ज़्यादातर क्रॉप्स आपकी आप जो इस समय जो देखते हैं
तो ज़्यादातर क्रॉप्स आपको यही दिखाई देती हैं जिनके लिए जुताई की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जांपल में दिया गया, जैसे आलू आप बोते हैं, तंबाकू की खेती करते हैं, धान या गन्ना या मक्का, इस प्रकार की क्रॉप्स, इस प्रकार की फसलों को जो आप लगाते हैं तो इसके लिए आपको खेत की जुताई करना आवश्यक होता है। तो ऐसी फसलें जिनको, जिनकी कल्टीवेशन खेती करने के लिए जुताई की आवश्यकता होती है, उन्हें एरेबल क्रॉप्स कहते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगले क्रॉप्स को जानते हैं। ऑगमेंटिंग क्रॉप्स क्या है या सहायक फसलें किसे कहते हैं? तो ऑगमेंटिंग क्रॉप्स यानी ये फसलें मुख्य फसलों से पहले या त्वरित बढ़ने के लिए लगाई जाती हैं। जैसे बरसीम और रिजका में सरसों लगाना, जिससे पहली कटाई से अधिक उपज प्राप्त हो जाए। तो ऑगमेंटिंग क्रॉप्स क्या होती हैं, मतलब जो आपकी क्रॉप्स है उस क्रॉप्स को ऑगमेंट करने के लिए, उसको थोड़ा सा जल्दी मैच्योर करने के लिए या उसको ज़्यादा जो है पोषक देने के लिए कह सकते हैं। तो ये फसलें मुख्य फसलों से पहले या त्वरित बढ़ने के लिए उगाई जाती हैं। तो जो आपकी जो मेन क्रॉप्स है, मेन क्रॉप्स को ऑगमेंट करने के लिए, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए ये फसलें लगाई जाती हैं। जैसे दिया है एग्जाम्पल में कि बरसीम और रिजका में सरसों लगा देना। बरसीम या रिजका जो आपके क्रॉप्स हैं, बरसीम या लूसर्न जिसे रिजका कहते हैं, में अगर आप सरसों लगा देते हैं तो पहली कटाई में अधिक उपज प्राप्त हो जाती है। तो ये ऑगमेंटिंग क्रॉप्स हैं। जैसे कि देखिए, बरसीम और रिजका और सरसों, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, बहुत कॉमन सी बात है कि जैसे आप गांव घर में देखते होंगे कि जो बरसीम का खेत होता है वहाँ पर सरसों भी उसी में बो दिया जाता है। तो सरसों भी बो देते हैं, तो चूंकि पहली जो आपकी जो हार्वेस्टिंग, पहली कटिंग होती है, तो उस समय तक बरसीम की जो क्रॉप होती है वो ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाती है। तो उस, लेकिन सरसों जो है उस समय तक जो है मतलब तैयार हो चुकी होती है। तो उसके साथ हम चारा काटते समय सरसों भी उसके साथ काट लेते हैं, तो हमें पर्याप्त मात्रा में चारा मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो मेन क्रॉप्स है उसको एक प्रकार से वो बूस्ट कर रही है। कौन सी, जो उसके साइड वाली जो क्रॉप्स है, तो इस प्रकार की क्रॉप्स को ऑगमेंटिंग क्रॉप्स कहते हैं। तो यहाँ पर सरसों जो है आपकी ऑगमेंटिंग क्रॉप्स है, सहायक फसल है। आगे चलते हैं, रेट्यूनिंग क्या है, पीढ़ी क्या होता है? तो पहली वाली फसल को काटने के बाद उसी तने से दूसरी फसल लेना रेट्यूनिंग कहलाता है। तो सभी साथियों को पता है रेट्यूनिंग के बारे में। रेट्यूनिंग का मतलब जो आप क्रॉप्स, जो आपके पास इस समय क्रॉप है, उस क्रॉप को जो आप हार्वेस्ट करें तो उसी के तने को आप फिर सीड के रूप में इस्तेमाल कर लें, तो उसे रेट्यूनिंग कहते हैं। तो यह क्रिया गन्नों में और घासों में स्पेशली की जाती है, रेट्यूनिंग वाली क्रिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला टॉपिक हम देखते हैं साथियों, वो है कैश क्रॉप। नगदी फसलें किसे कहते हैं, कैश क्रॉप क्या है? तो नगदी फसलें मतलब जिससे हमें आर्थिक लाभ ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके, ऐसी क्रॉप्स को हम नगदी क्रॉप कहते हैं, कैश क्रॉप कहते हैं। कैश का मतलब समझ रहे होंगे, कैश मीन्स पैसा। तो जिन फसलों से आर्थिक लाभ ज़्यादा प्राप्त हो उन्हें कैश क्रॉप कहा जाता है। तो दिया गया है कि आलू, गन्ना, कपास आदि फसलों को नगदी फसलें कहते हैं, क्योंकि इन फसलों से प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक मूल्य प्राप्त होता है। तो इन फसलों से जो इकोनॉमिक जो है हमारा, जो है वैल्यू हमारा ज़्यादा होता है इन फसलों का। आगे, और आज की जो, आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर का जो लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका कैच क्रॉप्स। कैच क्रॉप्स क्या है? तो कैच क्रॉप किसे कहते हैं? तो जब मुख्य फसल उगाना संभव नहीं हो तब छोटी अवधि में जल्दी पकने वाली फसलें बोना ही कैच या अल्पावधि फसल कहलाती हैं। जैसे मूंग, उड़द, प्याज या चमला, इस प्रकार की क्रॉप्स को कैच क्रॉप के नाम से जाना जाता है। तो मतलब जो मेन क्रॉप है आपकी, जो मुख्य फसल है, मुख्य फसल को आप किसी कारणवश नहीं लगा पा रहे हो तो उसके साथ में कोई दूसरी क्रॉप्स जो है छोटी अवधि वाली या जल्दी पकने वाली जो फसलें होती हैं उनको आप वहाँ पर उसकी बुआई कर देते हैं। तो इन छोटी अवधि वाली फसलों को, जो जल्दी पकने वाली जो फसलें होती हैं, इन्हें ही कैच क्रॉप्स कहा जाता है। तो मूंग, उड़द, प्याज, चवला, ये सब कैच क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। तो साथियों, ये था आज का हमारा लेक्चर। आपको लेक्चर कैसा लगा, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपने फीडबैक ऐसे ही देते रहिए। जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय।